सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दी आर्चीज को लेकर के। एंड आई नो कि फिल्म एक्चुअली 7 दिसंबर को ही रिलीज़ हुई थी एंड मैंने फिल्म देख भी ली थी, बट एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इस फिल्म का रिव्यू नहीं करूँगा, बट कि जो इंटरनेट पर कुछ चीज़ें घूम रही हैं, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि सुहाना खान की एक्टिंग देखने के बाद अनन्या पांडे के लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। बट उससे पहले मैं इस फिल्म के बारे में बात कर लेता हूँ। सो द फिल्म स्टार्स सुहाना खान एज वेरोनिका लॉज, अगस्त्य नंदा एज आर्ची एंड्रोस, खुशी कपूर एज बेटी कूपर, वेदांग रैना एज रेगी, मिहिर आहूजा एज जगहेड, अदिति एज एथल एंड युवराज एज डेल्टन। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की पॉजिटिव्स के ऊपर। तो पहली पॉजिटिव चीज़ तो यही है कि इस फिल्म को जोया अख्तर डायरेक्ट कर रही हैं, जिन्होंने इससे पहले जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो, लक बाय चांस एंड गली बॉय जैसी कुछ बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की है। तो एज ए डायरेक्टर वो बहुत ही अच्छी है एंड इस फिल्म को भी उन्होंने अच्छे से डायरेक्ट किया है। स्पेशली इस फिल्म का जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट पूरी फिल्म में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड थी, जो सबसे ज़्यादा अच्छी थी, वो इस फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन ही था एंड इस फिल्म का डायरेक्शन, कैमरा वर्क, सब कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। दूसरी चीज़ जो मुझे पॉजिटिव लगी वो ये कि इस फिल्म की जो कास्ट है, इनकी परफॉर्मेंस में कहीं से भी कोई कमी नहीं है, सब ने अच्छी परफॉर्मेंस ही दी है। अगर आप किसी एक्टर के हेटर हो तो हो सकता है आप कह दो, बट वो एक अलग चीज़ है। बट एज ए न्यूट्रल ऑडियंस आपको जो कास्ट है उनका काम परफेक्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना लगे, पर इनका काम अच्छा है। अगला जो इस फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इंडिया में एक्चुअली बहुत से टाइप की ऑडियंसेज रहती हैं, एक अर्बन ऑडियंस और एक रूरल ऑडियंस। तो मे बी जो अर्बन ऑडियंस है उनको ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, दूसरी ओर जो मिडिल क्लास फैमिली के नॉर्मल लोग हैं वो लोग शायद इस फिल्म को देख करके ज़्यादा कनेक्ट ना कर पाए और उनको ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगे। तो अगर मैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करूँ तो नेगेटिव चीज़ तो एक यही है कि इस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा गाने हैं। एक म्यूजिकल कॉमेडी है आई नो, बट इसके बावजूद फिल्म में बहुत ही ज़्यादा गाने हो गए हैं एंड गाने कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो सुनने में भी अच्छा लगता है। गाने अच्छे हैं, शंकर रेशान लॉय ने फिल्म की म्यूजिक दी है एंड बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का अच्छा है, बट गाने कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं है जिनको सुनकर के आपको मज़ा आए। ठीक ठाक से गाने हैं एंड इतने ज़्यादा गाने हैं, हर दूसरे सीन के बाद कोई गाना आ रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा अनॉइंग हो जाता है। बाकी इस फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी स्टोरी है। तो एज अ स्टोरी इस फिल्म में कुछ ऐसा था भी नहीं एंड दी आर्चीज कोई ऐसी कॉमिक है ही नहीं कि इसको आप उठा करके मतलब इंडियन वर्जन में बनाओगे एंड लोग उससे कनेक्ट कर लेंगे। अगला जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि इन लोगों ने इंडिया के हिसाब से फिल्म को अडेप्ट किया है, फिर भी देख करके ऐसा लगता नहीं है कि ये इंडिया की स्टोरी है एंड 10 में से 7 डायलॉग्स तो इंग्लिश में है, 3 डायलॉग्स हिंदी में है। अगर एक्सेंट की बात करूँ तो सुहाना खान का जो हिंदी एक्सेंट है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड एज एन एक्टर मुझे लगता है सुहाना खान ने अच्छे तरीके से अपने रोल को परफॉर्म किया है। कुछ ट्रोलर्स होंगे, हेटर्स होंगे जो कहेंगे कि अरे इनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है ये वो, बट आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सुहाना खान का जो इस फिल्म में कैरेक्टर है वेरोनिका लॉज का, वो एक्चुअल में वो कैरेक्टर ही वैसा है। अगर आप आलिया भट्ट की भी जो पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर वो भी देखो तो उसमें भी आलिया भट्ट ने कुछ वैसी ही एक्टिंग की है। तो हो सकता है हम लोगों को या कुछ लोगों को पसंद ना है, बट एक्चुअल में वो कैरेक्टर ही वैसा है कि वो बहुत ही अमीर घर की लड़की है एंड उसके बात करने का तरीका वैसा ही है, तो ये हमको समझना पड़ेगा। रही बात अनन्या पांडे से जो लोग कंपेयर कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा, उल्टा खुशी कपूर की एक्टिंग में मुझे थोड़ी सी कमी नजर आई। बाकी अगस्त नंदा एंड सुहाना खान दोनों ने अपने कैरेक्टर को काफी अच्छे से प्ले किया है। बाकी के जो लोग हैं वेदांग रहना, मिहिर, अदिति एंड युवराज, इन लोगों ने भी अपने कैरेक्टर को अच्छे से ही प्ले किया है, बट ये स्टार किड नहीं है। सो ओवरऑल मुझे ये फिल्म एवरेज लगी एंड मैं इस फिल्म को देता हूँ 2 out of 5 स्टार। बाकी देखनी है या नहीं है तो ये डिपेंड करता है, अगर आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंजॉय की थी तो इसको भी आप एंजॉय कर सकती हो, बिकॉज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जब मैंने देखी थी तो मुझे फर्स्ट टाइम वो फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, मैंने आधी देख करके छोड़ दी थी। उसके बाद 1-1.5 साल बाद आई थिंक मैंने देखी थी तो मुझे वो फिल्म ठीक ठाक लगी थी, बट फिर भी मैं उस फिल्म से कुछ खास कनेक्ट नहीं कर पाया था। रिव्यू पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।